द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, इसमें 30 क्वेश्चन आपका है। इस सेट में कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन हैं और ये आपको सॉल्व करना है। और एट लास्ट में आपको बताना है कि इस 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं और या कितने गलत आपके जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एग्ज़ाम जैसा कि आप लोगों को पता है, तो कोशिश यही करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उतनी क्लियरिटी आपके अंदर नहीं आएगी जितना होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और आप लोग फटाफट पढ़ते चलिए। हम उसी विकल्प का जिक्र करेंगे, उसी विकल्प का जिक्र करेंगे जो आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तो चलिए, 4 ऑप्शन है। इसमें हमसे पूछा है कि गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। तो मेरे साथी, आप जानते हैं कि गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है। यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया है तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो गंगा का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? तो आप बिल्कुल सही जवाब, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप पढ़िए आराम से और आंसर को दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा का जो पर्यायवाची, सरिता ये जो है वो किसकी है? नदी की पर्यायवाची है, ना कि गंगा की, ठीक ना। बाकी तीनों आपके किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, कह रहे हैं कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो आपको बताना है कि उपभाषा, तो आप जानते हैं कि हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है, ये तो आपको पता है। तो इस तरीके से थोड़ा से और हम शॉर्ट कर देते हैं, इससे ऑप्शन आपको सारे दिख जाएं। 1 मिनट। चलिए साथी, एक नीचे आपका क्या दिया गया है? पहाड़ी हिंदी है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से आपको पढ़ना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ए आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी इसका सही जवाब होगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियों का जिक्र किया जाता है, आप जानते हैं भगेली, छत्तीसगढ़ी और आपका क्या अवधी आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसमें आपको बताना है कि पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं का जिक्र किया गया है, तो 33 का आप जानते हैं ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परस्तर, ये आपका क्या है? पताका का नहीं है, बाकी सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये किसका है? पत्थर का पर्यायवाची है, पाषाढ़ हो गया, ठीक ना। इस तरीके से ये किसके पर्यायवाची हैं? पत्थर के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, अंश शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा, कंधा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगर आपका अंश कुछ इस तरीके से लिखा गया है तो आप जानते हैं इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हिस्सा, ना। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हिस्सा। तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर शब्द का प्राय है तो आपको बताना है। तो आप जानते हैं 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अडिक, बिल्कुल राइट आंसर होगा ना। चलिए 36 में आपको बताना है, इसमें कह रहे हैं कि मनोविकार सूचक शब्दों में वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है सूचक के रूप में वाक्यांश के अंत में, ठीक ना, आपको बताना है कि किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब ए, ठीक ना, विस्मयबोधक, बिल्कुल राइट आंसर होगा ना, विस्मयबोधक
बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विभाव ना। और ये सब रस के पार्ट हैं, अनुभव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, ये सब किसके हैं? और विभाव आप जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको शुद्ध वाक्य के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है? तो बिल्कुल सही, राम ने रोटी खाई, ये आपका क्या है, शुद्ध है। बाकी में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रखी गई हैं। फटाफट आप लोग आंसर करते चलिए। निम्नलिखित में से आपको पुल्लिंग के बारे में बताना है, कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है? तो 39 का बिल्कुल सही जवाब, आप पुल्लिंग शब्द के बारे में बताना है। तो बे जो आपका होता है ना, ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी आपको पुल्लिंग के बारे में बताना है। तो पुल्लिंग शब्द आप लोग बताइएगा। कौन सा आपका पुल्लिंग है? बिल्कुल ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। मजा जो आपका है ये क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, कजा हो गया, सजा, रजा, ये सब स्त्रीलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है, कह रहे हैं कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है ना, तो मतलब पुल्लिंग के बारे में ही पूछा गया है इनडायरेक्टली। तो झुरमुट बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी सब आपके इसमें से पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है ना, बाकी सब स्त्रीलिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल ना, ज्ञानवान इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए साथी, केतु का पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 43 का, बहुत सही, ध्वज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ना, ध्वज आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए और ध्वज, पताका, ये सब। चलिए इसमें आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो 44 का बहुत सही, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है ना। तो अवनी ये आपका जानते हैं, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, बाकी गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया ना, गौ हो गया, व्योम हो गया, ब्रह्म, अंतरिक्ष, आसमान, ये सब किसके हैं, आकाश के। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो स्त्री का कौन सा साथी पर्यायवाची इसमें से नहीं है, तो आप जानते हैं स्त्री का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। ये सही जवाब होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में आपको बताना है, तो भाषा की सबसे छोटी आपको पता है ध्वनि है नहीं, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वर्ण। बिल्कुल सही। घी खिचड़ी होने का अर्थ आपको बताना है मुहावरे में, तो आप जानते हैं कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा ना 47 का, ए आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। घी खिचड़ी का होना मतलब आप समझ रहे हैं, खूब घुलना मिलना, यही आपका क्या है, राइट आंसर। खंडन का विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, समर्थन, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, बड़े भाई के लिए आपको एक शब्द के बताना है,
तो बड़े भाई को आप लोग क्या कहते हैं? गुड ना, अग्रज इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो बड़े भाई के लिए सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथी, विसर्ग का उच्चारण इसमें आपको बताना है कि विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है। तो आप जानते हैं ये आपका हा, जैसे अतः आप लिखते हैं ना, तो हा ये विसर्ग आपका है, तो इसमें आप देखिए हा का उच्चारण हो रहा है, अतः। चलिए मेरे भाई, एक आपको क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़ के आपको क्या देना है? 5 आंसर बताने हैं। तो फटाफट आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम इसके आंसर करवा दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाती है। ठीक, चलिए आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 51 का आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग ना वो क्या नाम गद्यांश आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। कह रहे हैं, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा ज्ञान लेन देन की प्रक्रिया है ना। तो इस तरीके से आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी आपको क्या बताना है? गद्यांश से रिलेटेड है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बहुत सही, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, शिक्षक की उपस्थिति। ठीक ना, चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें भी आप बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा, गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। बहुत सही, प्रमाणित बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है, तो 55 का बिल्कुल सही जवाब आपका डी ना, बिल्कुल ये ठीक ना राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आप लोगों को बताना है, कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने ना, तो इसमें से आपको अर्थ बताना है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड, साहित्य की रचना, इस ऑप्शन का क्या हो जाएगा? डी आपका क्या हो जाएगा? राइट, सॉरी सर, इसका जो सही जवाब आपका होगा, 4 ऑप्शन, वर्णमाला सीखना, इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसकी है? तो आप जानते हैं वाइगोत्स्की की है ये, सिद्धांत किसकी है? तो वी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, वाई गो तस की, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपको बताना है, प्रारंभिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको बताना है। तो 58 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा, बहुत गजब, बाल साहित्य बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा सी,
भाषा परिवेश राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं। तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक महत्व जो है प्राथमिक स्तर पर ना पोर्टफोलियो, ये क्या है, इसके सही जवाब होंगे। सर्वाधिक महत्व आप किसको देंगे ना, तो पोर्टफोलियो को हम सर्वाधिक महत्व देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से मेरे साथी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वायरल फीवर होने की वजह से थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कम है, तो आप लोग उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत